नमस्कार दर्शकों, अमरोहा की आवाज में मैं हूं आपके साथ ऋचा वर्मा। जनपद अमरोहा में नगर निकाय चुनाव को शांतिपूर्ण संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा कड़े इंतजाम किए जा रहे हैं। जिलाधिकारी बाल कृष्ण त्रिपाठी और पुलिस अधीक्षक आदित्य लांगे के साथ संयुक्त रूप से जनपद में 11 अप्रैल से प्रारंभ होकर 17 अप्रैल तक चलने वाली नामांकन प्रक्रिया का जायजा लिया गया। उन्होंने निर्देशित करते हुए कहा कि नामांकन प्रक्रिया शांतिपूर्ण, स्वतंत्र, निष्पक्ष, पारदर्शी प्रक्रिया के तहत संपन्न कराई जानी चाहिए। इसमें किसी भी प्रकार का समझौता ना किया जाए। इस अवसर पर उन्होंने आज नगर पंचायत नागावा सादात, नगर पालिका परिषद धनौरा, नगर पालिका परिषद बचसायू और नगर पालिका गजरौला में नामांकन स्थल पर नामांकन प्रक्रिया का मौके पर पहुँच कर जायजा लिया। उन्होंने सभी जगह निर्देश दिए कि सीसीटीवी कैमरे इस प्रकार लगाए जाए जिसमें सभी का चेहरा साफ दिख सके और सभी केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरा चालू रहना चाहिए। नामांकन प्रक्रिया की वीडियोग्राफी अवश्य हो, इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं की जानी चाहिए। निर्देश देते हुए कहा कि अनावश्यक लोग एकत्र नहीं होने चाहिए, शांतिपूर्ण नामांकन प्रक्रिया संपन्न कराई जानी चाहिए। उन्होंने सभी स्थलों पर जारी होने वाले लॉगिन पासवर्ड जारी होने के उपरांत उसे चेक करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा किसी भी उम्मीदवार को नामांकन पत्र प्राप्त करने के लिए परेशान न होना पड़े और चेक पॉइंट पर गंभीरता से चेकिंग की जाए, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम हो। कोई भी अराजक तत्व नामांकन स्थल में अंदर नहीं जाना चाहिए, इसीलिए चेक पॉइंट पर बेहतर चेकिंग की जानी चाहिए। इस अवसर पर संबंधित उपजिलाधिकारी, संबंधित क्षेत्राधिकारी, संबंधित तहसीलदार, संबंधित खंड विकास अधिकारी सहित आरओ एआरओ सहित अन्य संबंधित मौजूद रहे। और इसी के साथ देखते रहे अमरोहा की आवाज़।